Hello kids, today we will start our computer class. It's a new subject for you, है ना? ये आपके लिए नया है ना, इसलिए इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको पता है कुछ चीज़ें इंसान बनाते हैं और कुछ चीज़ें हम इंसान बनाते हैं और कुछ चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई जाती है ना? तो things made by God is the natural things. And things made by human beings are man-made things, है ना? इंसान के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? Man-made things, है ना? और गॉड के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Natural things, है ना? तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं natural things? गॉड ने क्या क्या बनाया है? Yes, sun, moon, stars, birds, tree, air, wind. अगर हम है ना, हम सभी को बनाया है ना गॉड ने, और इंसानों के द्वारा इंसान ने क्या क्या बनाया है? कार, बस, स्कूटर, फैन, है ना? ये चीज़ें हम इंसानों ने बनाई हैं. तो थिंग्स मेड बाय गॉड इज़ द नेचुरल थिंग्स एंड थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर मैन मेड थिंग्स, है ना? आया समझ में आपको? अच्छा, आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मशीन क्या होती है? हाँ, मशीन वो होती है जो हमारे वर्क को इजी और फास्ट करती है ना? हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए मशीन का इन्वेंशन किया है ना? जैसे कार, बस, कैलकुलेटर, है ना? बहुत सारी चीज़ें बनाई ना इंसानों ने, ताकि हम अपना वर्क इजी और फास्ट कर सकें, है ना? तो चलिए आज हम आपकी कंप्यूटर की न्यू बुक ब्राउज द वर्ल्ड के साथ शुरू करते हैं, पेज नंबर 5. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी न्यू बुक ब्राउज द वर्ल्ड के साथ, पेज नंबर 5, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंट मशीन, चैप्टर 1. ठीक है, अब आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है. ओके, तानिया, just observe the surrounding things. Among these things, some are natural and some are man-made. What do you mean by the natural and man-made things? ये जो boy, आप ये picture देख रहे हैं, इसमें ये boy इस girl से बोल रहा, तानिया से, कि देखो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है उसमें देखो, तो आप क्या बता सकते हैं उसको देख के कि कौन सी नेचुरल थिंग्स है और कौन सी मैनमेड थिंग्स है? सन, मून, वाटर, एयर, ट्रीज, बर्ड्स आर द नेचुरल थिंग्स. हाँ, नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी है? सन, मून, वाटर, एयर, ट्रीज, बर्ड्स आर द नेचुरल थिंग्स. वाइल योर बाइसिकल, पेंसिल, स्कूल बैग, नोटबुक्स, इरेजर, बॉटल एंड डिफरेंट मशीन्स आर द मैन मेड थिंग्स, जो मनुष्य के द्वारा बनी हुई है ना? डू यू अंडरस्टैंड तानिया? इफ यस, देन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग क्विज टाइम कॉलम. ओके, नाउ पेज नंबर 6, क्विज टाइम. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, टिक द नेचुरल थिंग्स एंड क्रॉस द मैन मेड थिंग्स. जो नेचुरल थिंग्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेचुरल थिंग्स जो गॉड के द्वारा हमें दी गई है ना, उस पर राइट करना है और मैन मेड थिंग्स पे क्रॉस करना है. ठीक है, सन नेचुरल थिंग्स है, बस मैन मेड थिंग्स है, इस पर क्रॉस करिए, टीवी पे क्रॉस करिए. एलिफेंट नेचुरल थिंग्स हैं, फ्लावर्स नेचुरल थिंग्स हैं, ट्रीज नेचुरल थिंग्स हैं, मून है, ट्रेन नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, स्टोन नेचुरल थिंग्स है ना? लगाया सभी ने क्रॉस? ओके, चलिए पेज नंबर 7, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, दे मेक अवर वर्क ईजी एंड फास्टर. आप सभी को मेरे साथ बोलना है और साथ में फिंगर भी रखना है. ओके, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स,
They make our work easy and faster. Machines save our time. We can use different kinds of machines in our daily life. Some machines run on fuel or petrol, while some run on electricity and some machines run on battery. मशीन्स जो है वो मैडमेड थिंग्स है ना। मशीन ने हमारा वर्क इजी और फास्ट कर दिया है ना, फास्टर कर दिया। मशीन्स सेव अवर टाइम, मशीन हमारा समय बचाती है ना। वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन इन अवर डेली लाइफ। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशीन का यूज़ करते हैं ना, इससे हमारा वर्क इजी और फास्ट बन गया है। सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल और सम ऑन पेट्रोल, वाइल सम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कुछ मशीन पेट्रोल से चलती है, फ्यूल से चलती और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। एंड सम मशीन्स रन ऑन बैटरी, कुछ मशीन्स किससे चलती है, बैटरी से। लेट अस लुक एट द सम मशीन्स विच रन ऑन फ्यूल। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स। एन एरोप्लेन इज ए मशीन यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन ए शॉर्ट टाइम। यहाँ एरोप्लेन का पिक्चर है ना। तो ये एरोप्लेन भी एक मशीन है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं और ये शॉर्ट टाइम में हमें पहुँचा देती है। अ कार एंड स्कूटर आर मशीन्स यूज टू ट्रेवल हियर एंड देयर। कार और स्कूटर से भी हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, ट्रेवल करते हैं। द मशीन्स विच रन ऑन बैटरी, कुछ मशीन्स बैटरी से चलती है ना। कौन सी, जैसे कि अ कैलकुलेटर इज अ मशीन विच रन्स ऑन बैटरी। इट डज नॉट कैलकुलेशन फॉर अस, है ना। कुछ मशीन्स किससे चलती है, बैटरी से। इट डज नॉट कैलकुलेशन फॉर अस, सॉरी इट डज द कैलकुलेशन फॉर अस, है ना। कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेशन भी एक कैलकुलेटर भी एक मशीन है जो बैटरी से चलता है ना, और हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है, ठीक है। फिर है द मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, है ना। द मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे कि अ वॉशिंग मशीन इज ए मशीन यूज टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स। A fan is a machine that helps us to stay cool in summer. फिर a refrigerator is a machine which keeps our food cool and fresh. जैसे वॉशिंग मशीन हमारे कपड़े, डर्टी कपड़े धोने में ईजी रहती है ना, यूज़ होती है हमें। और फैन, फैन भी एक मशीन है जो हमें कूल रखता है समर में, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन विच कीप्स अवर फूड कूल एंड फ्रेश। जो फ्रिज है वो हमारा, फ्रिज भी एक मशीन है जो कि हमारे खाने को फ्रेश और कूल रखता है ना। नाउ पेज नंबर 8, क्विज टाइम। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड मार्क द वंस दैट आर द मशीन्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं तो आपको उस पर राइट का साइन लगाना जो मशीन हो, ओके। यू हैव टू डू दिस, ओके। ये आपको होमवर्क में करना है। पेज नंबर 9 निकाला सभी ने, पेज नंबर 9। कंप्यूटर, कंप्यूटर इज आल्सो अ मशीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट मेक्स अवर वर्क इजी। You can draw pictures on computer, है ना। कंप्यूटर भी एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट मेक्स आवर वर्क ईजी, यह हमारे वर्क को ईजी करती है। और हम इस पर ड्राॅइंग भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अ कंप्यूटर सॉल्व्स सम्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत ईजीली हमारे सम्स को फास्ट कर देता है ना, सॉल्व कर देता है ना, हमारे सम्स को सॉल्व कर देता है इजीली। अ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू लिसन द म्यूजिक एंड टू प्ले गेम्स। कंप्यूटर पे हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कंप्यूटर। आप लोग भी मेरे साथ साथ पेंसिल रख के बोलिएगा, है ना। इज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट मशीन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं क्या है। एक विशेषता कि कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है ना, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ना। डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है। हम मनुष्य से तो मिस्टेक हो जाती है ना, ह्यूमन बींग से तो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है। फिर है रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर किससे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है कंप्यूटर। फिर वर्क्स वेरी फास्ट, और ये बहुत फास्ट वर्क करता है ना, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी वर्क करता है। नेवर गेट्स टायर्ड, हम लोग तो थक भी जाते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है ना, वो कभी भी नहीं थकता, नेवर गेट्स टायर्ड। फिर स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नंबर्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स, कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जैसे नंबर्स की, वर्ड्स की, पिक्चर्स की, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या विशेषता है कंप्यूटर की, देखिए ये कंप्यूटर लेकिन इसकी क्या क्या विशेषता है। वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट मशीन है, डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक नहीं करता, रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी वर्क करता है, नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी नहीं थकता है, स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नंबर्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करके रखता है ना, स्टोर करके रखता है।